तो अब वो वक्त है जब आप सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू की एक एक बात सुनेंगे। सुशांत की बहन मीतू सिंह का पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। मीतू सिंह सुशांत के परिवार की वो पहली सदस्य थीं जिन्होंने सुशांत की बॉडी को बांद्रा के फ्लैट में देखा था, और इसलिए उनकी ये गवाही बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। और हम फिर इस बात को कहेंगे कि यह पहली बार हो रहा है जब सुशांत की बहन ने क्या देखा था, पुलिस को उन्होंने क्या बताया था। 14 जून को जब सिद्धार्थ पेठानी से उनकी फोन पर बात हुई तो क्या बातें हुई थी, वो जब घर पहुंची तो उन्होंने सुशांत को किस हालत में देखा, ये सारी की सारी बातें इस ऑफिशियल स्टेटमेंट में उन्होंने मुंबई पुलिस को बताई थी। सुशांत की मौत के 2 दिन के बाद मीतू ने 8 जून से 14 जून तक की भी एक एक बात टाइमलाइन के साथ पुलिस को बताई थी। सुशांत उस वक्त किस मनोस्थिति में थे, क्या परेशान थे, बीमार थे, मीतू ने क्या देखा, क्योंकि वो उनके घर पर भी रही थी, वो सारी बातें इस स्टेटमेंट में उन्होंने बताई हैं। मीतू सिंह की बताई इस डिटेल को आप सुनेंगे तो आपको सुशांत के साथ उन दिनों में क्या कुछ गुजर रहा था यह समझने में आसानी होगी। मीतू सिंह ने अपने इस बयान में कहा है कि जब मैं सुशांत के कमरे में पहुंची तो मैंने देखा कि सुशांत को बेड पर लेटाया गया है और हरे रंग का एक कुर्ता पंखे से लटका है। ये स्टेटमेंट के दूसरे पन्ने पर साफ साफ लिखा हुआ है। सिद्धार्थ पिठानी और उसके साथ सहयोगियों ने सुशांत को बेड पर लेटाया था। ये भी बताया है मीतू सिंह ने स्टेटमेंट में कि वो कुर्ता, हरे रंग का कुर्ता जिससे सुशांत की बॉडी लटकी हुई बताई थी सिद्धार्थ ने, उस कुर्ते को चाकू से काटकर सिद्धार्थ ने पुलिस को भी फोन किया था और बांद्रा पुलिस स्टेशन से लोग वहां थोड़ी देर में पहुंच भी गए थे। मैंने ये पूरी घटना, ये मीतू बता रही है स्टेटमेंट में कि मैंने ये पूरी घटना अपनी बहनों नीतू और प्रियंका सिंह को बताई। प्रियंका दिल्ली में रहती है, नीतू फरीदाबाद में रहती है। इसके बाद पुलिस सुशांत को कूपर हॉस्पिटल लेकर के गई जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मैं नहीं जानती कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी बिजनेस की वजह से की या किसी और वजह से। यह हमने आपको कुछ बड़ी बड़ी बातें जो इस 3 पन्ने की स्टेटमेंट के अंदर हैं वो हमने आपको पढ़ करके सुनाई है। अब मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं कि स्टेटमेंट में एग्जैक्टली क्या क्या लिखा है। पहले ये ओरिजिनल कॉपी आपके सामने। 8 जून को मेरे भाई ने मुझे कॉल करके मिलने के लिए बुलाया। मैं शाम 5:30 बजे सुशांत से मिलने गई। जब मैं मिली तो वो शांत था। मैंने पूछा क्या हुआ तो उसने कहा मैं COVID-19 की वजह से कहीं जा नहीं पा रहा हूं, बोर हो गया हूं। उसने मुझसे कहा कि लॉकडाउन के बाद हम कहीं घूमने के लिए साउथ इंडिया जाएंगे। उससे मिलने के बाद उसने कहा कि मैं कुछ दिनों तक उसके साथ रहूं। मैं जब सुशांत सिंह राजपूत के साथ रही, मैंने उसका मनपसंद खाना बनाया, उससे चैट किया और लॉकडाउन के बाद साउथ इंडिया घूमने के प्लान पर बात की। मेरी बेटी गोरेगांव में अकेली रह रही थी, इसलिए 12 जून 2020 को शाम 4:30 बजे मैं अपने घर चली गई। घर जाने के बाद मैंने सुशांत को मैसेज करके बताया, लेकिन उसने ना तो मैसेज का रिप्लाई किया ना ही मुझे कॉल किया। ये बातें मीतू बता रही हैं। मीतू ये कह रही हैं कि वो उनके घर में रहने के लिए गई थी। वो कह रही हैं कि वो 8 जून की सुबह उन्हें अपने भाई का फोन आया और उनसे मिलने के लिए कहा और शाम को 5:30 बजे अपने भाई से वो मिलने के लिए गई। अब 14 जून को क्या हुआ था वो आप देख लीजिए। 14 जून 2020 को मैंने सुबह 10:30 बजे सुशांत को कॉल किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया, इसलिए मैंने सुशांत के साथ रह रहे सिद्धार्थ पिठानी को कॉल किया। उसने मुझे बताया कि सुशांत को मैंने नारियल और अनार का जूस दिया है, शायद वो सो रहे हैं। उसने सुशांत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वो अंदर से बंद था। मैंने उसे बताया कि सुशांत कभी भी अंदर से दरवाजा बंद नहीं करता, इसलिए फिर से नॉक करो और उसे मुझसे कॉल करने के लिए बोलना। कुछ देर बाद सिद्धार्थ पिठानी ने मुझे कॉल करके बताया कि कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी सुशांत दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, इसलिए मैं चाबी वाले को कॉल करने जा रहा हूं। सिद्धार्थ का कॉल आने के बाद मैं गोरेगांव से बांद्रा के लिए कैब से तुरंत निकल गई। जब मैं टैक्सी में थी तब फिर से मुझे सिद्धार्थ का कॉल आया। उसने मुझे बताया कि दरवाजा खुल गया है और सुशांत की बॉडी पंखे से लटक रही है। जब मैं कमरे में पहुंची तो मैंने देखा कि सुशांत को बेड पर लिटाया गया है और हरे रंग का कुर्ता पंखे से लटक रहा है। सिद्धार्थ और सहयोगियों ने सुशांत को बेड पर लिटाया था। कुर्ते को चाकू काटकर सिद्धार्थ ने पुलिस को कॉल भी किया था और बांद्रा पुलिस स्टेशन के लोग वहां पहुंच भी गए थे। मैंने पूरी घटना नीतू और प्रियंका को बताई। इसके बाद पुलिस सुशांत को कूपर अस्पताल ले गई जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मैं नहीं जानती कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी बिजनेस की वजह से किया किसी और वजह से। अब ये 14 जून यानी जिस दिन सुशांत की मौत हुई है उस दिन मीतू सिंह ने घर पर क्या देखा वो सारी बातें बता रही हैं। मीतू की बात हुई सिद्धार्थ पिठानी से। मीतू ने फोन किया था सिद्धार्थ को, कहा मेरी बात कराओ। सिद्धार्थ ने कहा वो कमरा नहीं खोल रहे, कमरा
बड़ा लॉक है, उसके बाद का सारा वर्णन जो है, सारा डिस्क्रिप्शन मीतू बता रही है क्या क्या हुआ। और ये लगभग राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, 14 जून का जो विवरण दे रही है मीतू सिंह बहन, वो लगभग सिद्धार्थ पिठानी की बातों से मेल खाता है। सिद्धार्थ ने भी ये बताया था कि उनको अनार का जूस, नारियल पानी दिया था, उनका दरवाजा खटखटाया, वो नहीं खोल रहे थे। फिर बहन से बात की, बहन ने कहा नॉक करते रहो, फिर मैंने कहा आप चाबी वाले को बुलाए। कमोबेश दोनों का वर्जन सेम है। बिल्कुल सौरभ, सिर्फ सिद्धार्थ पिठानी नहीं, नीरज केशव और दीपेश का भी अगर बयान अगर हम पढ़ेंगे तो कमोबेश यही बयान है जो मीतू सिंह ने दिया है। उस 14 जून के दोपहर को माउंट ब्लैंक के फ्लैट नंबर 601 में क्या हुआ था उसका विवरण जो मीतू सिंह के बयान में है, वही वहाँ जो चार लोग रह रहे थे कमोबेश वही बयान दिया है। लेकिन 8 जून की जो तारीख है, वो कब गई, किसने बुलाया है, वो उसका जिक्र है। सुशांत ने उन्हें खुद कॉल करके बुलाया था, इस बात का जिक्र है। साथ ही सुशांत उनके साथ रह रहे थे, उनके पसंद की वो पसंद का खाना बना रही थी और बातचीत चल रही थी। लेकिन ये बातचीत किस बारे में थी, सुशांत किस वजह से डिप्रेस थे, उसका जिक्र इस बयान में नहीं है। ये बयान जो है वो 14 तारीख को ही लिया गया था, जिस दिन सुशांत का शव उनके कमरे में मिला था, उसी दिन यह बयान लिया गया था। कह सकते हैं हम कि उस वक्त बहुत ज्यादा मनोस्थिति में न हो बहन, कि सारी बातें खोल कर रख सकें कि आखिर सुशांत किस वजह से परेशान थे, कब से परेशान थे। लेकिन ये पहला स्टेटमेंट है और कोर्ट ऑफ लॉ में इसकी सैंक्टिटी बहुत ज्यादा होती है सौरभ, ये बात जो है वो कानूनी जानकार बताते हैं। लेकिन देखिए, इसमें एक चीज जो दिखाई दे रही है, हालांकि जो बयान सिद्धार्थ ने दिया और जो मीतू दे रही है लगभग एक सा लगता है, लेकिन इससे एक बार फिर एक चीज को अंडरलाइन करना पड़ेगा कि सुशांत सिंह राजपूत को पंखे से लटकते हुए परिवार ने नहीं देखा। जब मीतू वहां पर पहुंची तो उनकी बॉडी ऑलरेडी बेड पर थी। बिल्कुल, इसीलिए हम कह रहे हैं कि मीतू सिंह का जो बयान सीबीआई दर्ज करेगी वो काफी अहम होगा, क्योंकि मुंबई पुलिस ने जो बयान दर्ज किया जिसकी कॉपी हम अभी इस वक्त दिखा रहे हैं, उसमें साफ साफ वो कह रही हैं कि जो वो कमरे में पहुंची तो जो सुशांत का शव था वो बेड पे अपसाइड डाउन रखा हुआ था, हरे रंग का कुर्ता जो है वो लटक रहा था, उसे चाकू से काटा गया था, ये उन्होंने देखा नहीं है। वहाँ कमरे में जो चार लोग थे वो उन्होंने उन्हें बताया होगा और उसी वही स्टेटमेंट जो है उन्होंने पुलिस के सामने रखा है। सीबीआई को वो बताएंगी कि आखिर उन चार लोगों के हाव भाव क्या थे, वो इस स्टेटमेंट में नहीं है। उन चार लोगों ने और क्या वहां पे बात की, वो इस स्टेटमेंट में नहीं है। लेकिन इस स्टेटमेंट में कमोबेश सिद्धार्थ पिठानी या दीपेश सावंत या फिर नीरज और केशव जो लगातार कहानी उस दोपहर की बना रहे हैं, उस सुबह की बता रहे हैं 14 जून की, वो ठीक वैसा ही बयान जो है वो मीतू सिंह मुंबई पुलिस के पहले। देखिए, ये तो 14 की बात हुई, लेकिन 8 तारीख को जो हुआ था मेरे ख्याल से वो बहुत महत्वपूर्ण है। राजेश, 8 तारीख क्यों इंपॉर्टेंट है हम दर्शकों को फिर से याद दिला दें, क्योंकि 8 तारीख को रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर छोड़ा था, उसी दिन मीतू उनसे मिलने के लिए आई थी, और 8 तारीख की वो दिन है जिस दिन सुबह दिन में बात करते हुए उनकी बहन प्रियंका ने उनको एक प्रिस्क्रिप्शन भेजा था जिसमें एंग्जाइटी वगैरह की दवाइयां उनको दी थी। अब देखिए, इसमें मीतू कह रही है कि मुझे सुबह सुशांत का फोन आया 8 तारीख को, शायद उससे पहले उनकी बात प्रियंका से हो चुकी थी दवाइयों को लेकर, और उसके बाद शाम तक या दोपहर में रिया घर छोड़ देती हैं, और ये भी रिया ने कहा था कि मुझे सुशांत ने कहा मेरी बहन आने वाली है तुम चली जाओ अभी, तो ये चीजें ऐड अप तो हो रही हैं। कम से कम अलग अलग लोगों के बयान और जो चैट सामने आई हैं उससे 8 तारीख को क्या हुआ उसकी एक क्रोनोलॉजी समझ में आती है कि सुबह बहन से दवाइयों को लेकर बात हुई, उसके बाद शायद रिया से उनका कोई झगड़ा हुआ या आर्ग्यूमेंट हुआ, उसके बाद बहन इससे पहले बड़ी बहन को उन्होंने फोन किया तुम मेरे पास आ जाओ, रिया छोड़ करके चली गई और शाम को बहन घर पहुंच गई। बिल्कुल, देखिए एक बात इसमें और, जो रिया ने अपने वकील के जरिए जो स्टेटमेंट जारी किया था तकरीबन 15-20 रोज पहले, उसमें 8 जून का एक और वाक्य जो है वो सामने ये रखा था कि सुजन वॉकर से उसी दिन अपॉइंटमेंट रिया चक्रवर्ती ने फिक्स किया था, सुजन वॉकर से सुशांत का सेशन होने वाला था, उसमें रिया बैठना चाहती थी लेकिन सुशांत ने उन्हें कहा कि आप चली जाइए क्योंकि उनकी बहन जो है वो आने वाली है, ये भी एक जानकारी जो है वो रिया की तरफ से दी गई थी। क्या सुजन वॉकर से उस दिन सेशन हुआ था, क्या होने वाला था, इस बात की जानकारी इस स्टेटमेंट में नहीं है। तो मीतू सिंह ने उस रोज 14 जून को जो स्टेटमेंट दिया है बहुत ही फौरी स्टेटमेंट, इसे हम कह सकते हैं कि उस वक्त जो उनके दिमाग में आया वो बातें उन्होंने पुलिस के सामने रखी।
आत्महत्या की कोई वजह उन्होंने नहीं बताई कि आखिर अगर सुशांत ने आत्महत्या की है तो वो किस वजह से की है। रिया का जिक्र नहीं है इस स्टेटमेंट में। साथ ही मनोरोग की अगर हम बात करें तो 8 जून काफी अहम हो जाता है अगर सुजन वॉकर के साथ उसने अगर सेशन हुआ है तो, उसका भी जिक्र नहीं है इसमें। हाँ, सुशांत से बातचीत 8 तारीख से 12 तारीख तक उनकी होती रही। सुशांत के लिए वो मनपसंद खाने बनाती रही। साउथ इंडिया का टूर करने के लिए सुशांत की प्लानिंग का वो हिस्सा हो रही थी। ये सारी बातें हो रही हैं लेकिन रिया का जिक्र नहीं है, मनोरोग का जिक्र नहीं है, मनोरोग किस वजह से उसका जिक्र नहीं है, सुसाइड अगर है तो वो किस वजह से किया होगा उसका भी जिक्र नहीं है। सौरभ, ये 2020 की बात हो गई, जून महीने की बात हो गई। अब जरा आपको हम पिछले साल के बारे में बहन क्या बता रही है, मीतू जो मुंबई में रहती है सुशांत की बहन वो क्या बता रही है, अब ये देखिए आप। अक्टूबर 2019 में सुशांत ने पूरे परिवार को बताया कि वो लो फील कर रहा है, इसलिए मेरी बहन नीतू सिंह, प्रियंका सिंह दिल्ली और हरियाणा से सुशांत सिंह राजपूत के 601 नंबर फ्लैट जॉगर्स पार्क माउंट ब्लैंक बांद्रा वेस्ट में उनसे मिलने के लिए आई। कुछ दिन तक बहनें साथ रहीं और सुशांत सिंह राजपूत को पूरी तरीके से समझाया। मेरा भाई सुशांत सिंह राजपूत प्रोफेशनल तौर पर अप्स एंड डाउन की वजह से लो फील कर रहा था, बहन कह रही है ये। मेरी बहन नीतू सिंह ने कुछ दिनों के लिए दिल्ली साथ रहने के लिए उसे बुलाया, जिस पर उसने बाद में आने को कहा। नवंबर 2019 में मेरा भाई लो फील कर रहा था, इसलिए हिंदुजा अस्पताल के डॉक्टर करसी चावड़ा से मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा था। मार्च 2020 में कोविड-19 की वजह से वो घर में रह रहा था, किताबें पढ़ रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, योग के साथ मेडिटेशन कर रहा था। तो ये 2019 की बात जो है वो बता रही हैं कि 2019 में अक्टूबर में उन्होंने पहले बताया परिवार को कि मैं लो फील कर रहा हूं, उसके बाद बहनें उनके साथ रहने के लिए आईं। फिर 2019 नवंबर में भी उन्होंने कहा कि मैं लो फील करता हूं, इसके बाद उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट लिया डॉक्टर केसी चावड़ा हिंदुजा अस्पताल के, उनसे उन्होंने ट्रीटमेंट लिया और कोविड-19 के दौरान यानी 2020 में मार्च से वो अपने घर पर रह रहे थे, किताबें पढ़ते थे, एक्सरसाइज करते थे, मेडिटेशन करते थे और योग करते थे। ये वो बयान दे रही हैं। ये बयान देखिए, लगभग जो हमने थोड़ी देर पहले प्रियंका का एक बयान, उनकी जो दूसरी बहन है प्रियंका राजेश, उनका हमने स्टेटमेंट पढ़ के सुनाया था, ये बातें बिल्कुल साफ हैं। बहनें साफ मान रही हैं कि 2019 में ही वो अपनी किसी परेशानी का जिक्र परिवार से कर चुके थे। फीलिंग लो का मतलब हम सब समझ सकते हैं क्या होता है, लेकिन उसके लिए अगर सुशांत नवंबर 2019 में डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं, मतलब परेशानी की बात ज्यादा थी। बिल्कुल, और प्रियंका के बयान में 2013 का भी जिक्र है सौरभ, उसमें तो 2013 का भी जिक्र है और वो कह रहे हैं कि उस वक्त भी इसी तरीके से वो लो फील कर रहे थे और उन्होंने डॉक्टर की सलाह ली थी और तब ठीक हुए थे। 2019 में ठीक वही बात का जिक्र, कुछ उसी तरीके के परेशानी का जिक्र, और उसके लिए हिंदुजा हॉस्पिटल करसी चावड़ा के यहाँ अगर वो जा रहे हैं और अगर सलाह ले रहे हैं डॉक्टर की सलाह ले रहे हैं अपने मनोरोग को ठीक करने के लिए, अपने जो लो जो शब्द इस्तेमाल किया गया ही वॉज फीलिंग लो, अगर उस लो को ठीक करने के लिए अगर डॉक्टर के पास जा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ परेशानी तो थी और परिवार को इस बात का इल्म था, ये इन बयानों से साफ हो रहा है। रिया का जिक्र नहीं है इन बयानों में, लेकिन परिवार को पता था कि मनोरोग या फिर लो कहें, लो फील करते थे या फिर डिप्रेशन में थे, जो भी अगर हम शब्दावली अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका मतलब यही है कि मानसिक तौर से परेशान थे वो और उसके लिए डॉक्टर्स की सलाह ले रहे थे वो। ये बात छुपी हुई नहीं थी परिवार से, ये इन स्टेटमेंट से साफ जाहिर होता है। सौरभ, देखिए हमने दो बहनों का बयान अभी तक अपने दर्शकों को सुनाया है, दिखाया है, ये ऑफिशियल कॉपी है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ये जो आप मेरे हाथ में ऑफिशियल स्टेटमेंट की कॉपी देख रहे हैं, ये मुंबई पुलिस को दिया गया बहनों का बयान है। हमने आपको प्रियंका का बयान सुनाया था थोड़ी देर पहले, फिर थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। अभी हमने मीतू सिंह का बयान आपको पढ़ के सुनाया, मीतू जो कि मुंबई में रहती है और सुशांत की मौत के बाद उनके घर पहुंचने वाली परिवार की पहली सदस्य थी। अब चारों बहनों में सुशांत सिंह राजपूत की सबसे बड़ी बहन नीतू सिंह, उनका आपको बयान पढ़ के सुनाएंगे, जिनके सबसे ज्यादा करीब थे सुशांत। नीतू सिंह ने अपने बयान में 2013 से शुरुआत की है कि 2013 में सुशांत लो फील कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा है कि सुशांत अंधेरी में किसी साइकोलॉजिस्ट से मिले भी थे लेकिन उसके बाद तो बिल्कुल ठीक हो गए थे। हालांकि नीतू सिंह ने मीतू की तरह ही स्टेटमेंट में यह भी कहा है कि सुशांत अपने बिजनेस में उतार चढ़ाव की वजह से लो फील कर रहे थे। ये स्टेटमेंट आपको अब हम दिखा देते हैं, नीतू सिंह का बयान, सबसे बड़ी बहन पूरे परिवार की। 4 जून 2020 को सुबह मैंने सुशांत को कॉल किया और पूछा कि 4-5 दिनों से मुझे कॉल क्यों नहीं किया, तो वो बोला लो फील कर रहा हूं।
इस दौरान मैंने उसे बताया कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं उससे मिलने आऊंगी। मेरी बहन मीतू सिंह सुशांत से मिलने पहुंची और 4-5 दिनों तक उसके साथ रही। 12 जून 2020 को मीतू सिंह के घर में काम था, इसलिए वो अपने घर गोरेगांव चली गई। 14 जून 2020 को मेरी बहन मीतू सिंह ने मुझे कॉल किया कि सुशांत सिंह राजपूत ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली है। मैं नहीं जानती कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी बिजनेस की वजह से की या किसी और वजह से। कुछ लाइनें जो आप देखेंगे वो तीनों बहनों के बयानों की कॉमन है, सेम है। उसकी वजह राजेश बता रहे हैं कि ये स्टेटमेंट जिस वक्त ली गई उस वक्त सुशांत की मौत को केवल 2 दिन गुजरे थे। 14 जून को उनकी मौत हुई, 15 को उनका अंतिम संस्कार हुआ, 16 जून उसी घर में परिवार मौजूद था जहां उनकी जान गई थी और वहां पर मुंबई पुलिस ने स्टेटमेंट लिया। परिवार इच्छुक भी नहीं था, बताया जा रहा है, स्टेटमेंट देने के लिए उस वक्त, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सदमे में और गम में थे। लेकिन मुंबई पुलिस ने उनसे ये कहा कि चूंकि आप लोग बाहर रहते हैं और अगर आप लोग अभी चले जाएंगे, पटना चले जाएंगे और शहरों में आप लोग रहते हैं, तो फिर आप कब आएंगे स्टेटमेंट देने के लिए यह तय नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि अभी आप अपना ऑफिशियल बयान इस बारे में दर्ज करा लें, क्योंकि फैमिली का स्टेटमेंट लेना हमारे लिए अनिवार्य है, जरूरी है। तो इसीलिए आपको इसमें बहुत सारी बातें समान दिखाई दे रही हैं। खासतौर पर 2013 में मानसिक दिक्कत की बात, जिसके लिए उन्होंने फिर ट्रीटमेंट लिया था अंधेरी वेस्ट में किसी मनोचिकित्सक से, ये बातें तीनों बहन बता रही हैं। इसके बाद पिछले साल अक्टूबर में वो लो फील कर रहे थे, ये भी तीनों बहनों ने कहा। नवंबर में भी वो लो फील कर रहे थे पिछले साल, उसके बाद उन्होंने हिंदुजा अस्पताल के डॉक्टर केरसी चावड़ा से ट्रीटमेंट लिया, ये बात भी तीनों बहनें लिखती हैं। और इसके बाद जब लॉकडाउन लग गया या जब 2020 की बात आती है, तो वहां पर बहनों में सबसे ज्यादा जो अहम गवाही है वो मीतू की है, जो मुंबई में रह रही थी और जो रही थी जाकर के उनके साथ। और इसी स्टेटमेंट का लेकिन मीतू के हम आपको अगला हिस्सा भी बता देते हैं। अक्टूबर 2019 में सुशांत ने मुझे और मेरे पूरे परिवार को बताया कि वो लो फील कर रहा है, इसलिए मैं, मेरे पति और मेरी बहनें सुशांत सिंह से मिलने के लिए उसके फ्लैट 601 मॉन्ट ब्लांक जॉगर्स पार्क बांद्रा वेस्ट मिलने पहुंचे। हम लोग सुशांत के साथ कुछ दिनों तक रहे और उसे पूरी तरह समझाया। मेरा भाई सुशांत अपने प्रोफेशन के अप्स डाउन के चलते लो फील कर रहा था। मेरी बहन मीतू ने उसे कुछ दिनों तक अपने साथ दिल्ली रहने के लिए बुलाया, जिस पर उसने बाद में आने को कहा। नवंबर 2019 में मेरा भाई फिर लो फील कर रहा था, इसलिए उसने हिंदुजा हॉस्पिटल के डॉक्टर करसी चावड़ा से मेडिकल ट्रीटमेंट लिया। मार्च 2020 में कोविड-19 के चलते वो घर में था, किताबें पढ़ रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, योग के साथ मेडिटेशन भी कर रहा था। तो ये आप तीसरी बहन का जो है वो बयान आप देख रहे हैं। राजेश, बहुत सारी बातें, मैं कहूंगा कि लगभग लॉकडाउन तक की बात, या हम ये कह लें कि 8 जून से पहले तक का जितना भी इसमें विवरण है वो तीनों बहनों का कॉमन है, जिसमें 13 में ट्रीटमेंट की बात, अक्टूबर 19 में लो फील करने की बात, नवंबर 19 में ट्रीटमेंट की बात, और करियर में अप्स डाउन्स की वजह से वो परेशान थे, ये बातें बिल्कुल कॉमन है जो तीनों बहनें मान रही हैं। बिल्कुल तीनों बहनें मान रही हैं। नीतू सिंह और प्रियंका सिंह का बयान जो हुआ है सौरभ, वो 16 तारीख को हुआ और बकौल मुंबई पुलिस ओपी सिंह मौजूद थे जब ये बयान लिए जा रहे थे, चाहे दोनों बहनों के बयान हो या फिर सुशांत के पिता का बयान हो, उस वक्त वो वहाँ पे मौजूद थे। प्रियंका और नीतू सिंह का बयान बहुत एक जैसा बयान है और ये कहानी 2013 की या फिर 2019 की जो बताया जा रहा है, दोनों एक जैसा बता रही हैं। मीतू सिंह जरूर 14 जून की कहानी, 8 जून की कहानी उनके पास है, क्योंकि वो परिवार की वो सदस्य हैं जो सुशांत के मौत के पहले उनके पास मौजूद थे। सुशांत की जब मौत हुई थी तो उस परिवार की पहली सदस्य थी जो उस कमरे में पहुंची थी जहां सुशांत का शव पड़ा हुआ था। उनका बयान बहुत अहम हो जाता है, लेकिन उनका बयान 14 जून को ही लिया गया है। अगर हम सूत्रों की बात करें, परिवार का जो सुशांत सिंह राजपूत का परिवार का जो कैंप है उससे जब हम बात करते हैं तो पता चलता है कि बहुत जल्दबाजी में मुंबई पुलिस ने यह बयान लिया है। उस वक्त वो बयान देना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि जो 12 दिन 13 दिन रुक जाने के बाद बयान दे, लेकिन मुंबई पुलिस ने उस वक्त जो है वो कुछ ज़्यादा तत्परता दिखाई और बयान उस दिन लिया गया है। यही वजह वो बताते हैं कि बयान में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने नहीं आई। मुंबई पुलिस के अपने तर्क है, उनका कहना है कि हमने बाद में उनसे संपर्क किया, उनको बुलाया भी, लेकिन वो नहीं आए। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि मुंबई पुलिस को जितनी तत्परता बाद में बयान, क्योंकि जो अफसरों से उस वक्त बात हो रही थी वो लगातार कह रहे थे कि लूपहोल्स हैं बहुत बयान में परिवार के, हमें और भी बयान लेने हैं, उनके और भी बयान लेने हैं, लेकिन एक ईमानदारी से कोशिश जो है वो मुंबई पुलिस से नहीं की कि अगर उनके परिवार यहाँ नहीं आ पा रहे, उनके पिता यहाँ नहीं आ पा रहे, तो वो पटना जाके बयान ले लें,
मीडिया ज्यादा तत्परता दिखाएं बयान लेने में, दूसरा बयान लेने में। यही वजह है कि आपको जो पहले वाले बयान है, फर्स्ट डे के जो बयान है, उसमें बहुत ज्यादा बहनें जो हैं वो सुशांत के जीवन के बारे में बात करती हुई नहीं दिख रही हैं। सिर्फ इतना साफ हो रहा है इससे कि उन्हें इस बात का इल्म था, उन्हें इस बात की जानकारी थी कि सुशांत किसी न किसी वजह से मानसिक तौर से परेशान है और वो इसका इलाज भी करा रहे हैं। चलिए ठीक है, हम जल्दी से जो तीसरी बहन है जिनका स्टेटमेंट हमने थोड़ी देर पहले आपको सुनाया था, नीतू सिंह का बयान आपने देखा। सुशांत की तीसरी सिस्टर प्रियंका सिंह, उनके बयान में क्या है वो भी आपको हम बता देते हैं। प्रियंका सिंह नवंबर 2019 में सुशांत के मॉन्टप्लैंक वाली फ्लैट में उनसे मिलने के लिए गई थी। प्रियंका ने स्टेटमेंट में कहा है कि वो अपने भाई सुशांत सिंह से रेगुलर टच में थी। 4 जून को प्रियंका सिंह से सुशांत की फोन पर बात भी हुई थी। वो लिख रही है कि 4 जून की सुबह मैंने अपने भाई को फोन किया, पूछा कि कॉल क्यों नहीं किया, वो लो फील कर रहा था। तब मैंने उसे कहा कि लॉकडाउन के बाद मिलने आऊंगी। मेरी बहन मीतू सुशांत से मिलने गई और 4-5 दिन तक सुशांत के साथ रही। 12 को मेरी बहन मीतू अपने घर गोरेगांव लौट गई, उसे घर में कुछ काम था। 14 जून को दिन में बहन मीतू सिंह के दोपहर में कॉल करके मुझे बताया कि सुशांत ने आत्महत्या कर ली है, सुशांत ने पंखे से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। ये खबर सुनते ही मैं दिल्ली से फ्लाइट लेकर मुंबई के लिए रवाना हो गई। मुझे नहीं पता सुशांत ने आत्महत्या बिजनेस की वजह से की या फिर किसी और कारण से। मेरा स्टेटमेंट मराठी में लिया गया है, मुझे हिंदी में सुनाया गया है, यही मेरा वक्तव्य है। तो तीनों बहनों की स्टेटमेंट में बहुत सारी बातें कॉमन है और यह बात साफ है कि वो उनकी मानसिक परेशानी या बीमारी के बारे